ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फिलहाल कहीं ब्लॉग शूट हो नहीं पा रही है। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में हम ना बनाने वाले हैं व्हाट द थिंग्स, केक बनाने वाले हैं घर पे, वो भी स्पॉन्जी केक। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने चीनी को ग्राइंड करनी है। तो हमने ले ली है इसमें 1 कप चीनी लिया है हमने, और ये जो नॉर्मल जो हम चाय पीते हैं ना इसी से हमने नापा हुआ है, ठीक है ना। आज सब जो भी चीज़ हम बताएंगे ना वो घर में आपको सब चीज़ अवेलेबल होने वाला है। तो फटाफट पहले ग्राइंड कर लेते हैं चीनी को, देन आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको। वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस केक तो हर सभी को पसंद होती है। तो फटाफट जो है ना हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुकी है, चीनी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब केक बनाने के लिए आपके पास या तो ओवन होना चाहिए या तो माइक्रोवेव होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव में आप दो कंडीशन में केक को प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो कन्वेक्शन मोड में कर सकते हैं, आइदर आप हीटिंग मोड में भी कर सकते हैं। तो हम अभी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे कन्वेक्शन मोड के। अगर आप केक को बढ़िया बनाना चाहते हैं, बहुत सारे केक में शिकायत मिलती है भाई केक बीच से दब जाती है, गीली रह जाती है, तो उसमें क्या होना कि अपने जो ओवन है ना इसको हमें प्री हीट करनी होती है। तो सबसे पहले हम कुछ स्टील का इस तरह से ले लेंगे, लोअर पार्ट वाला ले लेंगे, हाइट वाला नहीं लेंगे। इसको क्या करना है अपने को इसके अंदर रख लेना है, ठीक है। इसके अंदर रख के अभी क्या करना है अपने को कन्वेक्शन मोड प्रेस करना है। कन्वेक्शन मोड प्रेस करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 180 डिग्री सेल्सियस, सबका अलग अलग होता है। टाइम हम सेट कर देंगे, ये एरो की है, यहाँ पे एरो की के मदद से हम जो है सेलेक्ट करने वाले हैं इसको 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करने वाले हैं। देन क्या करना है आपको, सिंपली सेलेक्ट कर लिया हमने, 10 मिनट हो गए हमारी, और उसके बाद हमें इसको स्टार्ट कर देना है। तो हमारी यहाँ पे अभी जो ओवन है वो प्री हीट स्टार्ट हो चुकी है। तब तो क्या करेंगे हम अपना केक बनाने के लिए जो है बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें आज हम बनाने वाले हैं भाई अंडे के केक, आप एगलेस भी बना सकते हैं। सो बैटर तैयार करने के लिए हमने ले लिए 2 एग। तो सबसे पहले एग को फोड़ लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इतना जो है इसमें रिफाइंड यूज़ किया है, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरह से आपको फेंट लेना है। आप इसे कर सकते हो या तो आपके पास अगर बाइंडर है तो आप बाइंडर से भी कर सकते हैं। वी ऐड शुगर जो हमने ग्राइंड किया था उसको इसमें मिक्स करेंगे। ध्यान रखें सभी को अच्छे तरह से मिक्स करना है ताकि आपस में जो है ना पूरी तरह से जो बाइंड हो जाए। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी केक बन के तैयार होगी। हाँ दोस्तों, हमारी फूडिंग ब्लॉग्स तो नहीं है बट ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने बोला चलो यार आप लोगों के लिए बढ़िया सा डिलीशियस केक ही बनाया जाए घर पे। ये तो एक वाली केक बना रहे हैं, विदाउट एक का केक भी बना सकते हैं। उसमें जो रिफाइंड यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से जो है हमारी यहाँ पे अब जो है शुगर भी ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा हम मिक्स करेंगे। हमने 1 कप शुगर लिया था तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा। अगर बैटर आपकी गाढ़ी होगी ना तो इस पर फिर हम यूज़ करेंगे मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी बैटर बिल्कुल ना तैयार हो चुका है। ज़्यादा गीला नहीं रखना है, अगर आपको लगता है टाइट है तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें दूध डाल के आप इसको सही कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अराउंड जो है 4 टीस्पून जो है हमने मिल्क यूज़ किया है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून जो है हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद ज़्यादा नहीं मिक्स करनी, हल्के हल्के हाथ से आपको मिक्स करनी है बस। जो हमारी बैटर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी क्या करना है अपने को, इस तरह से जो है एक एल्युमिनियम की वो लेनी है ढांचा जिसपे अभी हम अपने केक को तैयार करने वाले हैं। तो एल्युमिनियम में सबसे बेस्ट होती है, एल्युमिनियम लेनी है आपको। और इसके नीचे के लिए मैंने इस तरह से गोल पीस कटिंग कर लिया है। और कटिंग कैसे करना है देखो, इसका एक्स्ट्रा पीस ही है, इसको फोल्ड करके 5 फोल्ड करके आपको कटिंग कर लेना है। अपने को इसमें रिफाइंड यूज़ करनी है, चारों तरफ लगा देंगे। जो हमने ये पीस कटिंग करी थी इसको अभी इसके अंदर रखनी है। इससे क्या होगा ना, जो आपकी एक्स्ट्रा अगर होगी ना तो वो बाहर नहीं निकलेगी। अभी हमने पेपर लगा दिया है, अभी क्या करना है इसके अंदर भी अपने को ऑयल लगानी है थोड़ी सी। अब जो हमने बैटर तैयार करा था बैटर इसके अंदर डाल देंगे। इसमें फिल करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स होगी वो निकल के बाहर हो जाएगी। हमारी ओवन जो है वो प्री हीट हो चुकी है, तो अब इसको हम यहाँ से पस करेंगे और इसको धीमे से इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से रख देना है, आपकी जो है ना मस्त प्री हीट हो चुकी है। अभी क्या करना है, वापस से आपको क्या करना है, कन्वेक्शन मोड स्टार्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, एंड 40 मिनट्स के लिए आपको इसको ब्रेक करनी है। तो हमने यहाँ पे 40 मिनट सेलेक्ट कर दिया है, स्टार्ट कर देंगे। अब आपकी जो केक है ना वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर 40 मिनट्स हम आपसे दोबारा मिलते हैं। फाइनली गाइज हमारी केक बनके तैयार हो चुकी है, एंड आप यहाँ पे सॉफ्टनेस इसका चेक कर पा रहे होंगे। तो फटाफट इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते, आपको हम दिखाते हैं हमारी जो केक हमने घर पर बनाई है वो कैसी बनी है। सो ये देखो हमने अभी उससे निकाल दी है, एंड यहाँ पे अभी आप चेक करना सॉफ्टनेस देखो गाइस, कितनी मस्त सॉफ्टनेस जो है ना केक बनी है। एंड आई होप गाइस कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
भाई बाहर जा नहीं पाए थे, ठंड बहुत थी, तो हमने बोला चल यार केक बना के ही खा लेते घर पे, इसी की ब्लॉग आपको भी दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय।